अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं सैनी आई हूं। उन्हें कहो मैं मसरूफ हूँ। पर वो तो ऑलरेडी आपके ऑफिस में बैठ चुकी हैं। तुमने उन्हें मेरे ऑफिस में कैसे आने दिया? आई एम सॉरी सर, मगर वो मेरे आने से पहले ही ऑलरेडी आपके ऑफिस में बैठ चुकी थी। मैंने उन्हें मना किया था पर कि हमें परमिशन नहीं है इस तरह इजाजत के बगैर किसी को ऑफिस में आने की, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्या आइंदा मुझसे कोई रابطہ ना रखना। मगर ये तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने अगर अनजाने में आपका दिल दुखाया है, मुझसे बदतमीजी हुई है, तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपकी इंसल्ट करने का सोच भी नहीं सकती मैं। ये इंसल्ट नहीं तो और क्या है? क्या दिखाना चाहती हो मेरा मुजस्मा बनाकर? क्या साबित करना चाहती हो? यही कि तुम मुझ जैसी शक्ल और सूरत वालों की मूर्तियां भी बखूबी ढाल लेती हो अपनी उंगलियों से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपको आपके लफ्जों के आईने में देखा है, और जिस इंसान के एहसास इतने खूबसूरत हों, वो इंसान भी लफ्ज, एहसास, जज्बात, सोच, ये खूबसूरत मगर किताबी बातें हैं। बाहर की दुनिया इंसान को उसकी जाहिरी शख्सियत से नापती है, जैसे तुमने किया, उसी नजर से देखा जिस नजर से दुनिया मुझे देखती है। तुम्हारी नजरों में भी वही हकारत होगी जो मुझ जैसे परिजादों के लिए पूरी दुनिया की नजरों में होती है, वरना तुम मुझसे ये घिनौना मजाक ना करती। बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही चली जाओ, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े। मेरा नाम कुरतुलैन जरूर है, मगर मैं देख नहीं सकती।